To get a sense of what's going on at this moment in the various Akhada Parishads, in the political parties, and on the ground in Prayagraj, I'm joined on this broadcast. I want to welcome first by a spokesperson of the Yogi Adityanath government, Shalabhmani Tripathi, spokesperson of the BJP. With us also on this broadcast is Acharya Pramod Krishnam. He's from the Kalki Pitadeshwar, leans towards the Congress. We have with us on this broadcast Panchanand Giri Maharaj. He's from the Kamakhya Pit. We have Swami Yatendragiri from the Juna Akhada. I want to go across to Shalabhmani Tripathi first. Shalab, sabse pehle ye batayein ki ab tak ki yogi prashasan ki jo poochhtaach hai, wo kahan tak pahunchi hai? Aapko investigation mein kya nikal ke aa raha hai? Police ke adhikari aapko kya bata rahe hain? Aapke hisab se is case mein hua kya? Rahul ji, apne aap mein bahut hi dukhad kshan hai hum sabhi ke liye, aur khaas taur pe जो भी सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, जो भी अनुयायी हैं, जो भी पूज्य महंत जी से जिनका आत्मिक जुड़ाव रहा, हम सबका उनसे विशेष लगाव रहा, आज बहुत ही दुखद क्षण है। हम सब बहुत स्तब्ध है इस पूरी घटना को लेकर। और मैंने तो वो तस्वीरें देखी कि आप भी, मुझे लगता है शायद 24 से 48 घंटे पहले आपने उनका सत्संग प्राप्त किया। अपने आप में ऐसा कुछ हो जाएगा, इस बात की आशंका किसी को नहीं थी, दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा। निश्चित तौर पर बहुत सारे सवाल अभी भी हैं, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि बैकग्राउंड में घटना हुई है जिसके वीडियो आपके पास है भी, जिसमें जो आनंद गिरी उनके शिष्य हैं उनको लेकर उनकी नाराजगी थी, बाद में उन्होंने माफी मांगी, वो वीडियो आपने देखा भी है। स्वयं पूज्य महंत जी की जानकारी में वह वीडियो बना था। अब जब ये घटना हुई है, तब एक नोट बरामद हुआ है, जो कुछ लोग उसको वसीयतनामा कह रहे हैं, कुछ लोग सुसाइड लेटर कह रहे हैं, उसमें भी आनंद गिरी का जिक्र है। लिहाजा पुलिस ने जो तहरीर प्राप्त हुई, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के लिए जो एप्लीकेशन प्राप्त हुई, उसके आधार पर मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारियां शुरू कर दी है। और गिरफ्तारियां, इसमें आपके संवाददाता ने भी बताया कि दो लोग अरेस्ट हो चुके हैं। बहुत तह तक पुलिस पहुंचेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित तौर पर खुद में अपने आप में बहुत इस पूरी घटना को लेकर बहुत आहत है, बहुत मर्माहत है। और इसीलिए, क्योंकि हमेशा से बहुत एक गहरा जुड़ाव रहा है पूज्य महंत जी से, जब कुंभ का आयोजन हुआ, पूरे वैश्विक स्तर पर उत्तर प्रदेश की सराहना हुई, उसमें बहुत बड़ा योगदान पूज्य महंत जी का। एक अभिभावक की तरह, एक मार्गदर्शक की तरह मुख्यमंत्री जी हमेशा उनसे राय मशवरा करने जाते थे। कई बार उनसे कोई विषय आता था, उनसे चर्चा होती थी। तो सरकार का मुखिया होने के नाते भी, एक संत होने के नाते भी, और एक व्यक्तिगत क्षति जो हुई है पूरे देश की, पूरे सनातन परंपरा की, उसके नाते भी हमारा दायित्व है। मुख्यमंत्री जी ने उस दायित्व को महसूस किया है, वे स्वयं पहुंचे प्रयागराज, श्रद्धा सुमन अर्पित किया, और फिर मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने प्रण किया इस पूरी घटना के तह तक जाना है। एसआईटी गठित हो चुकी है, बहुत सारे तथ्य सामने आए जिनको मुझे लगता है कि अभी यहाँ पर शेयर करना उचित नहीं होगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि बहुत सारी चीजें सामने आई हैं, कुछ चौंकाने वाली चीजें भी सामने आई हैं, और जो दोषी है उनको अपनी कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी, इस बात के लिए मैं आपके पैनल पर आश्वस्त करता हूँ। पंचानंद गिरी महाराज, साधु समाज में क्या किस तरह से लोग इसको देख रहे हैं? क्योंकि न केवल अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे महंत नरेंद्र गिरी, बल्कि देश भर में उनकी पहचान थी, और ऐसे में जब ये तमाम बातें सामने आ रही हैं, उनके शिष्य से उनकी लड़ाई, सुइसाइड नोट में ये बात लिखी गई है कि कोई गलत काम वाली सीडी थी जिसको लेकर उन्हें चिंता थी कि उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है, तमाम जो लोग देख रहे हैं वो सोच रहे हैं कि न जाने क्या हो रहा था। आपका क्या एनालिसिस बन रहा है फिलहाल, जहाँ जो तमाम जानकारियाँ पब्लिक डोमेन में? देखिए, ऐसा है, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारे बीच में महाराज जी नहीं रहे। बहुत दुखद बात है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग बहुत समय महाराज जी के साथ रहे हैं, अयोध्या में, इलाहाबाद कुंभ में, अभी कोविड हो गया था हरिद्वार में उनको, तो वो ऐसे एक बोल्ड और संघर्ष वाले संत थे जो 13 अखाड़ों का नेतृत्व कर रहे थे। सुसाइड वाली तो कहीं कोई बात बनती ही नहीं, ये किसी ना किसी साजिश के तहत उनकी हत्या हुई है, और सीबीआई की जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो, दोषियों को सजा मिले। क्योंकि वो तो लोगों को समझाते थे और सारी जिंदगी उन्होंने संघर्ष झेला, यहाँ 13 अखाड़ों में मार्गदर्शन कर रहे थे, इतनी बड़ी पीठ पे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, हमारी इतनी बार बात हुई, बड़े बड़े संघर्षों में कभी घबराए नहीं, तो सुसाइड तो वो सोच ही नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात कि ये लोग कह रहे हैं कि कमरे का दरवाजा तोड़ा, ऐसा हुआ वैसा हुआ, कुछ किसी ने देखा कि कमरे का दरवाजा खुला था?
डेड बॉडी नीचे उतारने के बाद में पुलिस को फोन किया गया, जबकि उनको सुरक्षा मिली हुई थी, उनके गनमैन कहाँ थे, उनको बुलाना चाहिए था। 3:30 बजे वो चाय पीते थे, तो चाय नहीं पी, इनको क्या पता लग गया कि वो नहीं रहे, एकदम दरवाजा तोड़ दिया गया। ये सारी बातें बहुत ज़्यादा शकी हैं, इन पे CBI जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत क्लियर बात है कि महाराज जी किसी भी तरह आत्मदाह नहीं कर सकते। हाँ, जहाँ तक सुसाइड नोट का सवाल है, महाराज जी सहन करते थे, कभी एक पत्थर भी नहीं लिखा उन्होंने, तो 8 पेजों का सुसाइड नोट कहाँ से आ गया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। आचार्य प्रमोद कृष्णन, आपके हिसाब से जो तमाम दावे हैं वहाँ की स्थानीय पुलिस के, प्रशासन के, क्या उन पे विश्वास होना चाहिए? आपको क्या लग रहा है कि इस केस में किस तरीके से तहकीकात को आगे ले जाने की जरूरत है? देखिए राहुल जी, एक तो स्पष्ट रूप से कहा जाता हमारे शास्त्रों में, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अभी पंचानंद गिरी जी जो बोल रहे थे, महाराज जी की बात से मैं सहमत हूं कि नरेंद्र गिरी जी आत्महत्या कर लेंगे, एक ऐसा साधु जो एकदम सधुकड़ी स्वभाव से जीता हो, मस्त मलंग स्वभाव से जीता हो, अपने विरोधियों को ना तो गरियाने में कभी वो कसर छोड़ते थे और फिर क्षमा याचना भी थोड़ी देर में कर लेते थे। लेकिन ये जो सुसाइड है, क्योंकि सुसाइड नोट प्राप्त हुआ है, तो इसमें कई सवाल उठते हैं। मैं पहला सवाल उठता है कि क्या ये सुसाइड नोट उन्हीं का है, हैंडराइटिंग उनकी है? दूसरा ये भी सवाल उठ रहा है कि वो पत्र लिखने में विश्वास नहीं करते थे, ज्यादा उनका लिखत पढ़त में यकीन नहीं था, तो 7 पन्नों का जो ये जो सुसाइड नोट मिला है, ये एक अपने आप में बड़ा सवाल पैदा करता है। क्योंकि अक्सर राहुल जी देखने को मिलता है कि जो व्यक्ति आत्महत्या करता है वो 2-3-4-5 लाइन का सुसाइड नोट देता है, क्योंकि हमारे तमाम मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जब आत्महत्या करता है व्यक्ति, तो सहने की शक्ति जब से ऊपर जुल्म हो जाता है या हतोत्साहित हो जाता है, तो वो क्षणिक रूप से फैसला लेता है। लेकिन जब आदमी 1 पन्ना 2 पन्ना 3 पन्ना 4 पन्ना 5 पन्ना 7 पन्ना लिखेगा तो घंटों लग जाएंगे लिखने में, वो भी वो व्यक्ति जो ज्यादा राइटिंग का आदि ना हो। दूसरा सवाल उठता है, ये सुरक्षाकर्मी उनके पास थे? तीसरा सवाल उठता है, वो कहाँ थे? चौथा सवाल उठता है कि आश्रम के अंदर 2-3 घंटे तक महंत जी का कक्ष नहीं खुला, तो उनके चेले चांटे चेलियां शिष्य शिष्याएं सेवादार उन्होंने देखा ही नहीं? और चौथा सवाल उठता है कि क्या इतने अवसाद में वो अगर थे, नरेंद्र गिरी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, महंत जी की सब लोगों से जान पहचान थी, चीफ मिनिस्टर से बात कर सकते थे, अपने किसी अखाड़े के महामंडलेश्वर से बात कर सकते थे, अपने मित्रों को फोन कर सकते थे, पुलिस अधिकारियों को फोन कर सकते थे, वो सक्षम पुरुष थे, सामर्थ्यवान थे, तो इतना बड़ा ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था, कौन सा गैंग था जिसके लिए इतने डिप्रेशन में आ गए कि वो सीधे आत्महत्या पे उतारू हो गए, उन्होंने ये फैसला ले लिया। दूसरे, साधु कभी आत्महत्या नहीं करता है, क्योंकि आम व्यक्ति जब आत्महत्या करता है तो उसको बोध नहीं होता है कि ये आत्महत्या करना कितना बड़ा पाप है। साधु तो दूसरों को सिखाता है कि भाई आत्महत्या नहीं करनी है, साधु तो अवसाद से बाहर लाता है, साधु निराश लोगों में आशा की ज्योत जलाता है, साधु, और वो भी नरेंद्र गिरी जैसा साधु। हमारे महाराज तो बड़ा अखर स्वभाव के, बड़े मस्त स्वभाव के, बड़े निडर स्वभाव के, निर्भीक और बेबाक व्यक्ति थे। तो ये संदेह उत्पन्न होता है, अब ये फैसला सरकार को करना है कि इसका दूध का दूध पानी का पानी कैसे होगा, ये हत्या है या आत्महत्या, इसका पर्दाफाश कैसे होगा। तो मुझे लगता है सवाल बहुत खड़े हो गए हैं, सनातन धर्म की बहुत बड़ी क्षति है, तो मैं इस मांग से सहमत हूं कि इसकी CBI की जांच की जाए। स्वामी यतेंद्रनंद गिरी इज विद अस फ्रॉम द जूना अखाड़ा। स्वामी यतेंद्रनंद गिरी जी, ये बताएं कि आपके हिसाब से पुलिस जिस रास्ते में निकली है, क्या आपको कॉन्फिडेंस है कि इस पूरे मामले में असली में क्या हुआ वो बात सामने आएगी? क्योंकि इस जो महंत नरेंद्र गिरी जी के साथ हुआ उसके बाद पूरे देश में और खासतौर से साधु समाज में काफ़ी लोग चिंतित हैं, परेशान हैं, जानने के लिए कि आखिरकार हुआ क्या। वास्तव में राहुल जी आप ठीक कह रहे हैं, ये घटना कोई सामान्य घटना नहीं है, क्योंकि नरेंद्र गिरी जी महाराज का एक बड़ा कर्म था, हमसे बहुत व्यक्तिगत उनका बहुत स्नेह का संबंध था और बड़े बेधड़क आदमी थे, जो एक आशंका हो रही है कि वो आत्महत्या नहीं कर सकते, इसको कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता कि वो आत्महत्या करें। दूसरा,
किसी भी घटना के जो प्रारंभिक पहलू होते हैं, जैसे पंचानंद गिरी जी ने भी कहा कि जब उनका दरवाजा खोला कि तोड़ा गया, उनको उतारा कैसे गया, कैसे लटके थे, आज हर हाथ में मोबाइल होता है, छोटी छोटी घटनाओं के लोग फोटो बनाते हैं, तो फोटो क्यों नहीं बनाया गया? वहाँ उनके सिक्योरिटी गार्ड थे, पुलिस के प्रशिक्षित थे, उनको भी पता है कि अगर हैंगिंग कोई बॉडी है तो जब तक पुलिस के फोटोग्राफर्स न आ जाए तब तक नहीं उतारा जाना चाहिए, तो क्यों उनकी उपस्थिति में उतार दिया गया? ये बहुत सारे प्रश्न हैं। और दूसरा जो स्वर्गीय धर्मलीन महंत नरेंद्र गिरि जी ने आशंका की है कि मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही थी और मैं सम्मान के साथ जीना चाहता था, उनका जीवन एकदम खुली किताब था। बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं कि दीपावली के पावन पर्व पर जगत गुरु शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती को अरेस्ट किया जाता है, न जाने कितने आरोप लगाए जाते हैं, कई दिन तक टीवी पर चलता है, पूरा सनातन धर्म को बदनाम किया जाता है, बाद में वो कोर्ट से सब प्रकार से बरी हुए एक छोटी सी खबर बनके रह जाती है। आज टेक्नोलॉजी का युग है, किसी का सर कहीं लगा दो, किसी का पैर कहीं लगा दो, किसी का हाथ, आज फोटो शॉप के माध्यम से कोई भी फोटो बनाकर और इस तरह से, क्योंकि संत बड़े सम्मान का जीवन जीता है, वो इस बात को मानता है कि मेरा अनुसरण पूरा समाज करता है, मेरे चरित्र पर कोई एक दाग भी नहीं आना चाहिए। जो उन्होंने लिखा है कि मैं, मुझको कहा जा रहा था कि कहाँ तक आप सफाई दोगे, कब तक सफाई दोगे, तो इस घटना की तह में जाना चाहिए। आखिर अगर उन्होंने आत्महत्या करी है तो वो कौन लोग हैं जिन्होंने उनको मजबूर किया इस कार्य के लिए, अथवा उनकी हत्या हुई है तो वो कौन है, इस घटना के मूल तक जाना चाहिए। और योगी सरकार से हमें बहुत उम्मीद है, क्योंकि योगी सरकार बड़ा दृढ़ संकल्पित सरकार है, और अगर संतों की मांग है, सबकी मांग है, तो सीबीआई को भी एक सबूत देना चाहिए। आप एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं, बिकॉज मैं रविवार की सुबह महंत नरेंद्र गिरि से, वो जो बड़े हनुमान जी का मंदिर है प्रयागराज में संगम के किनारे, वहाँ पे मैं मिला था, और जब हमारी मुलाकात हो रही थी तो लगातार उनका एक शिष्य किनारे में खड़े होकर अपने मोबाइल पे पूरी चीज़ को शूट कर रहा था। तो ये तस्वीरें आप इस वक्त हमारे चैनल पे देख रहे हैं, ये हमारे कैमरे द्वारा ली गई तस्वीरें हैं, लेकिन इसी के ठीक किनारे में एक शिष्य खड़ा था महंत नरेंद्र गिरि का, जो कि पूरी जो बातचीत थी उसको अपने कैमरे पे ले रहा था। ऐसे में समर्थ श्रीवास्तव, द बिग क्वेश्चन दैट विल कम इज दैट हाउ इज इट दैट फॉर सो लॉन्ग द एंटायर सिक्योरिटी दैट यू नो दैट्स अराउंड द महंत एंड ऑल हिज डिसाइपल्स कुड नॉट फाइंड आउट व्हाट वाज गोइंग ऑन, बिकॉज इट्स वेरी रेयर दैट समवन लाइक अ महंत नरेंद्र गिरि वुड बी कंप्लीटली अनएस्कॉर्टेड बाय एनीवन अराउंड हिम। Well, exactly. Well, we spoke to Sarvesh Dwivedi, one of the disciples of Mahant. He was the person who took out the body from the cuff. So he spoke to India Today exclusively and he claimed that nobody was inside when this incident took place and they were the persons who broke open the door and went inside. And the important point is how they managed to get him down and without, why they did not inform police during the scene when they saw him hanging on the cuff. So this is the big thing. One point number one, it seems to be a mistake from the end of UP police, like when they got the information, why they did not tell the disciples not to touch anything, because in the crime scene they shouldn't have touched anything, not even the suicide note. And he spoke to me during an interview and he clearly said that he himself opened the suicide note and touched the suicide note. So how the forensic team would have worked? So it seems to be a loophole from the end. And what has come out from the suicide note is a bit explosive. It clearly says that the Mahant was blackmailed. So it's a big thing, and what is coming, it's a kind of obscene image which he was trying to show, which he was trying to get to make that viral on social media. So that was a big thing. This was something which Mahant couldn't have discussed with either IG or some ministers, though he had some good connects, and he was not just limited to the Saffron party, he had good connects in Samajwadi party, in Congress party. He was somebody much influential, much left saints among the top saints of India. You know, one of the things that's very clear is that Mahant
Dr. Narendra Giri suicide note mentions that he is taking the life because of his disciple, a man called Anand Giri, the Chote Mahant. Chote Mahant, Anand Giri, is now under arrest and charged with abetment to suicide. Anand Giri spoke to my colleague Shweta Singh in this exclusive interview. Anand Giri says that the Mahant was illiterate and could not have written such a long note all by himself. Here's more. हमारे साथ इस समय आनंद गिरी जुड़ रहे हैं जिनका नाम उस पत्र में शामिल है जिसे सुइसाइड नोट के तौर पर देखा जा रहा है। आनंद गिरी जी, छोटा महाराज भी कहा जाता था आपको, क्योंकि उत्तराधिकार की जो बात 2005 से शुरू हुई थी उसमें आपके नाम का वर्णन जरूर रहता था। आज की तारीख में ऐसा क्या हो गया है, और आज अगर पुलिस आपको हिरासत में लेने की बात कह रही है ताकि आपको प्रयागराज ले जाया जा सके उस पूरी जांच में सहयोग देने के लिए, इस समय अपनी परिस्थिति के बारे में क्या कहेंगे आप? जी, मैं पूरी तरह से, सबसे पहले पूरी तरह से हर प्रकार की जांच के लिए तैयार हूं। मुझे किसी भी जांच से भागने की आवश्यकता नहीं है। मेरी अभी अभी एडीजी प्रेम कुमार सर से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि आप प्रयागराज आ जाइए, हम यहाँ पर तुम्हारे मन में उसका हम आपसे उत्तर लेंगे। हमारे गुरु जी ने अपने पूरे जीवन काल में कभी एक पत्र भी नहीं लिखा, वो इतना बड़ा सुसाइड नोट भी लिख सकते। हमारे गुरु जी का व्यवहार बेबाक था और बहुत मजबूत था, वो कभी आत्महत्या नहीं कर सकते, उनकी हत्या हुई है। और मैं जब से गुरु जी के साथ हूँ, बचपन से गुरु जी के साथ में हूँ, वो व्यक्ति कभी भी आत्महत्या कर ही नहीं सकते। उनकी हत्या संपत्ति के लालच में की गई है। एक साल पूर्व ये विवाद आरंभ हुआ, सबसे पहले मुझे उनसे दूर किया गया, उनसे अलग किया गया, आज उनकी हत्या करके मुझे फंसा करके दोनों जड़ों को एक साथ काटने की कोशिश की जा रही है। मैं 1200 किलोमीटर दूर हूं इलाहाबाद से, आप कल्पना करिए, मेरे से मई के बाद उनसे बात नहीं हुई, उसके पश्चात भी कैसे उन्होंने मेरे दबाव में आत्महत्या कर ली, ये प्रश्न का विषय है, जांच का विषय है। और इतना बड़ा सुसाइड नोट छोड़ने से पहले उन्होंने अखाड़े को नहीं बताया, किसी व्यक्ति को नहीं बताया और सीधे मर गए, ऐसा संभव नहीं हो सकता। वो एक बहुत बड़े षड्यंत्र का शिकार हुए हैं और उसी शिकार के तहत मेरी भी हत्या करा सकते हैं या मुझे फंसा सकते हैं। यही कारण है कि ये सारा षड्यंत्र रचा गया है। मैं आपके आज तक के माध्यम से श्वेता जी, योगी जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, मैं हर जांच के लिए तैयार हूँ, हर प्रकार की जांच के लिए तैयार हूँ। आप जहां चाहे वहां मुझे बिठा करके अपनी, चाहे नाकों पे टेस्ट करा लीजिए, मेरे सीडीआर निकाल लीजिए, हर प्रकार की जांच करा लीजिए, मैं हर प्रकार की जांच में सहयोग देने को तैयार हूँ। परंतु षड्यंत्र का पर्दाफाश करिए, अगर मैं दोषी पाया जाता हूँ तो मैं जो भी सजा है उस सजा को भुगतने को भी तैयार हूँ, लेकिन ये षड्यंत्र है, उनकी हत्या हुई है, उनको मारा गया है और जानबूझ करके मेरा नाम और नौकर का नाम प्लांट करके इस पूरे के पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। स्वयं आप पुलिस के पास जा रहे हैं या आपको हिरासत में लिया जा रहा है? पुलिस की तरफ से तो कहा जा रहा है कि आपको हिरासत में लिया जा रहा है। मुझे हिरासत में नहीं लिया गया है, स्वयं पुलिस के साथ मैंने यहाँ के डीजीपी साहब से तत्काल बातें बताई, मैंने एसएसपी प्रयागराज को स्वयं सूचना दी इस प्रकार की घटना हुई, सर आप प्लीज मेरे आश्रम का निरीक्षण करिए। मैंने अभी अभी वर्तमान में डीजी प्रेम कुमार सर से बात की है, मैं लगातार संपर्क में हूँ और सभी फोन उठा रहा हूँ, मीडिया से भी लगातार बात कर रहा हूँ, मटके चिंतकों से बात कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ा साजिश है, षड्यंत्र है और षड्यंत्र के तहत उनको मार दिया गया है और मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। One of the important things that Anand Giri says is that he hasn't met Mahant Narendra Giri in more than a year. Shalabani Tripathi, ये important बात होगी कि वो कह रहे हैं कि मेरे को तो उस अखाड़े से निकाल दिया गया था, मैं तो वहाँ पे था ही नहीं, ना मेरी बातचीत हो रही थी, ऐसे में लोग मुझे फंसा रहे हैं, ये कहते हुए कि मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ लेकिन मेरी तो ना कोई बातचीत है, ना मैं वहाँ पे था और मैं तो 1200 किलोमीटर दूर हूँ। शलभ राहुल जी, देखिए किसी आरोपी के किसी बयान को लेकर मुझे लगता है कि हमें उस पर कुछ उसको इन्वेस्टिगेशन उसको नहीं करना चाहिए, ये पुलिस का काम है, पुलिस ने कस्टडी में लिया है। ये बात भी सही है कि विवाद हुआ था इनका, ये बात भी सही है कि उसके बाद इन्होंने सोशल मीडिया पे और तमाम जगहों पे पूज्य महंत जी के लिए कुछ लिखा था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये दोषी है नहीं है, जो भी है, पर हाँ आरोपी है, और आरोपी इसलिए बनाया गया है क्योंकि जो पत्र वहां से मिला है उसमें इसका नाम है और इसकी वजह से पुलिस ने कस्टडी में लिया है। अगर इनको पता है कि बहुत से लोग थे जो गुरु जी सिंह को दूर करा रहे थे, तो वो कौन लोग थे, उनका नाम आनंद गिरी बता सकते हैं। कुछ ऐसे लोग थे जिनसे इनको खतरा है, तो वो कौन लोग हैं, वो बात आनंद गिरी बता सकते हैं। यही कारण है कि पुलिस ने इनको इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से अपनी कस्टडी में ले लिया है, इनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन इतना जरूर है कि जो कुछ भी हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और अब ना सिर्फ सरकार का पार्ट होने के नाते बल्कि क्योंकि हम सबके लिए व्यक्तिगत क्षति हुई है, व्यक्तिगत नुकसान हुआ है,
एक भावनात्मक हम सबका एक रिश्ता रहा है पूज्य मंत्री से, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसकी तह तक पहुंचे और हम पहुंचेंगे, जो भी लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक जो सवाल उठ रहा है स्वामी यतेंद्रनंद गिरी जी, वो ये साधु संतों के लाइफस्टाइल को लेके भी है। खासतौर से अगर आप आनंद गिरी देखें तो ये जब विदेश जाते हैं, इनकी ये तस्वीरें इस वक्त वायरल हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, मतलब अगर कोई बिजनेसमैन हो उस तरह का ऐसा लाइफस्टाइल हो तो फिर भी समझ में आता है किसी साधु संत के तौर पे। ये देखिए ओपन एयर गाड़ी है, मैं जज नहीं करना चाहता लेकिन इस तरह की लाइफस्टाइल पर भी सवाल खड़ा होगा, खास तौर से क्योंकि ये साधु संतों का जो रहने का उठने बैठने का तरीका है उससे एकदम जुदा है। साधु संत अपना एक मर्यादित जीवन में रहने के अभ्यासी होते हैं। हम लोग साधु संत हैं, हम एक गरीब की झोपड़ी में भी जाते हैं, एक आदिवासी बनवासी के घर में भी जाते हैं, और बड़े बड़े राजनेता बड़े बड़े व्यापारी इनके यहाँ भी जाते हैं, लेकिन हमारी एक गरिमा होती है, हमारी एक मर्यादा होती है, हमारा एक संस्कार होता है, हम उसको भंग नहीं करते। जिस प्रकार का ये दृश्य आ रहा है ये कोई साधु के लिए उचित नहीं है, ये मैं निश्चित रूप से मानूंगा। हमको अपनी एक मर्यादा हर साधु को रखनी चाहिए और प्राय सभी साधु अपनी मर्यादा में ही रहते हैं, चाहे वो राजमहल में बैठे हो चाहे झोपड़ी में बैठे हो, उनके लिए दोनों जगह बराबर होती है। लेकिन किसी भी तरह का दिखावा है, प्रदर्शन है, बनावट है, ये साधु के जीवन का अंग नहीं होता।